निभी जी, आप अशर पापा को याद कर रही हैं ना? इतने दिन जो हो गए हैं, आपने से देखा जो नहीं है। हाँ, याद तो मैं उसे कर रही हूँ। इतने दिन से अपने अशर को देखा ही नहीं है। जब तक तुम नौकरी करती थी ना वहां पर, तुम्हारे बहाने अशर से मिल लिया करती थी। आप फिक्र नहीं करें, उसे किंजा बीबी ने संभाल लिया होगा। और वैसे भी किंजा बीबी के पास उसके अलावा है ही क्या? शनुमान की भी बड़ी फिक्र होती है, पता नहीं किस हाल में होगा। जब तक मैं बंगले में थी तो बेगम साहब से यही सुन रही थी कि वो जारा बीबी को वापस बुला लेंगी। अब तो मुझे कुछ भी नहीं पता। जहां तक मैं जानती हूँ ना मामा को, वो जारा को जरूर वापस लाएंगी, क्योंकि वो जारा से मोहब्बत भी तो बहुत करती है, और फिर जारा उनको इतनी बड़ी खुशखबरी भी तो देने वाली है। हो सकता है बीबी जी। सलमा, मैं तो इस पर भी खुश हो जाऊंगी कि अगर जारा वापस आकर नुमान को संभाल ले। मुझे हर वक्त बस नुमान की फिक्र लगी रहती है, पता नहीं वो किस हाल में होगा, क्या कर रहा होगा। काश जारा ने वो शर्त ही ना लगाई होती। तो फैजा बीबी, आपको लगता है कि जारा बीबी ऐसा कर सकती है क्या वो अपने बच्चे के साथ? जहां तक मैं जानती हूँ ना जारा को, बहुत अनाप परस्त है वो, और ऐसे अनाप परस्त लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। अब तो बंगले में कोई पुराना नौकर भी नहीं है कि कुछ मालूमात हो जाए। एक तो बेगम साहिबा ने भी सारे नौकर बदल दिए, अब तो कुछ खबर भी नहीं हो सकती।